कुछ लोग आके हमें ये कह दे कि बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो हमें भी लगता है कि ये बात सही है। आखिर बेटियों को पढ़ा के क्या करेंगे? लेकिन वही लोग कल को ये कह दे कि बेटियों को दहेज नहीं देना चाहिए, तो वही लोग हमारे लिए बुरे बन जाते हैं। यहाँ आपकी या मेरी बात नहीं है, यहाँ बात है तो बरसों से चली आती एक सोच की। कई लोगों के पास बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन जब उसके दहेज की बात आती है तब महंगी से महंगी चीज़ भी हम उसे दहेज में देते हैं। हम ये सोचते हैं कि बेटी अपने घर में खुशी से रह सके, लेकिन हमें जब पता चलता है कि इतना दहेज देने के बाद भी आपकी बेटी खुश नहीं है, तब अगर आपको दहेज देना ही है तो बेटियों को एक अच्छा एजुकेशन दीजिए, उसे पढ़ाइए। ये एजुकेशन ही है जो आपकी बेटी के साथ मरते दम तक रहेगा। दहेज में जो चीज़ें दी है वो आज नहीं तो कल पुरानी होती चली जाएगी। एजुकेशन ही है जो आपकी बेटी के साथ अच्छे और बुरे दोनों वक्त में उसका एक सहारा बन के रहेगा। एजुकेशन होगा तो वो किसी पे बोझ नहीं बनेगी और ना ही उसे किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी।